आजमगढ़ के त्रोलिया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर निवासी गुड्डू यादव पुत्र रामपूजन यादव का खेत सिनेमा हॉल के पीछे था। खेत के बीचों बीच विद्युत तार का पोल लगा हुआ है। दोपहर लगभग 12 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे पूरी की पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई। सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई थी। किसान गुड्डू यादव ने बताया कि मेरे पास टोटल 15-20 ही जमीन थी, जिसमें गेहूं बोया गया था। आज दोपहर में सब लोग होली का त्योहार मना रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से पूरी गेहूं की खड़ी फसल जलकर स्वाह हो गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आइए सुनाते हैं कि किसान गुड्डू यादव ने क्या कुछ कहा। आपका भैया गुड्डू यादव, कैसे लगी आग इसके बारे में बताइए। सर्किट से जो है देखिए, यहाँ पे जो है लाइट है और वहाँ पे कोई पक्षी बैठी है और वहाँ पे सर तार जो है आपस में सट के सर्किट से आग लगी है और गांव वालों के मदद से करीब हमारा 15-20 का जो है नुकसान हुआ है और गांव वालों के मदद से हम लोग आके पूरे गांव के कई गांव के मिलके जो है यहां आके आग बुताए हैं। लगभग कितने बजे घटना है? करीब करीब यही जो है 12 के आसपास ही घटना है। गांव में होली का त्यौहार था, सब लोग उधर उधर होली खेल रहे थे। कुछ लोग जो है इधर गाँव में जाके बताए कि वहाँ पर आग लग गई है और उसके बाद पूरे गाँव वाले जुट के आए हैं, उस गाँव वालों को मदद से ये जो है कैसे आग को कंट्रोल किया गया है।